Hey guys, good morning you all. How are you all? Today we'll start class 9, science, chapter number 1, matter in our surroundings, part 2, changes of a state of matter. In this lecture, we'll complete some important topics like how matter converts their state and how many factors are affected them. So, bane rahiye mere saath, seekhte hain kuch naya. Already, is chapter ka first lecture complete ho chuka hai. व्हाट्स जो आपका यूट्यूब है, यूट्यूब में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज के हम लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वी हैव फाइव स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। तो ये आपस में कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं? इन क्लास 9 वी हैव ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड हाउ दे कन्वर्ट इन ईच अदर। सो द फिनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड देयर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कोई भी मैटर है वो दूसरे मैटर में, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, वापस से फिर से अपने स्टेट में आ जाता है, इसे हम बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एंड देन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चलिए, मैटर कैन चेंजेज इज इट्स स्टेट, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी मैटर है, मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दे हैव अ स्टेट ऑफ मैटर एंड दे ऑलवेज चेंज देयर स्टेट। कैसे चेंज करेंगे? देयर आर टू फैक्टर्स आर मेजर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड इज प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल वॉटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वॉटर, H2O। वॉटर तीनों स्टेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड इन आइस, अगर सॉलिड फॉर्म में आए तो आइस के रूप में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वाटर के रूप में रहेगा, गैसेस स्टेट में रहेगा तो वेपर्स के रूप में, स्टीम के रूप में रहेगा। ठीक है, तो दिस आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर ऑफ वाटर। इट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर आइस कन्वर्टेड इंटू वॉटर, वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉटर कन्वर्टेड इंटू वेपर्स, वेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर वेपर्स कन्वर्टेड इंटू लिक्विड and then we decrease the temperature, liquid converted into ice. ठीक है, चलिए यहां पर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर आप आसानी से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम करते हैं, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे when a solid converted into liquid, that term is called melting, पिघलना। When liquid converted into gas, that term is called evaporation. When gas converted into liquid, it is called condensation. And when liquid converted into solid, that is called solidification. But when a solid directly converted into gas, that is called deposition. And when solid converted into gas, that is called sublimation. And when gas directly converted into solid, that is called deposition. Okay, चल आगे देख लेते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स ये भी आता है कि जब हम सब्लिमेशन की बात करते हैं तो when solid converted into directly gas, that is called sublimation. And कुछ बुक्स में या कहीं पर भी आपको मिल सकता है कि when gas is already converted into directly solid, that is called also sublimation. यानी सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में जब भी कन्वर्ट होगा डायरेक्टली तो उसे हम सब्लिमेशन कह सकते हैं। बट देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली सॉलिड दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर द स्टेट ऑफ मैटर इज इंटरचेंज। So on increasing the temperature, solid and the kinetic energy of the particles increases, which move comes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and the converted to a liquid. That is very important, very easy. Just जैसे हमने बताया था कि जो solid के particles होते हैं उनके बीच में space कम होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ता है, जब मोशन बढ़ेगा तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। व्हेन वी इंक्रीज मोर टेम्परेचर पार्टिकल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी एंड द पार्टिकल्स मोशन इज मोर फास्टर देन इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। The temperature in which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. That is very important terms, melting point. What is melting point? The temperature in which any solid converted into gas yeah, starting melting at atmospheric pressure is called melting point. For example, the melting point of ice is 273.16 degree Kelvin. Yeah, you can say the melting point of ice is 0 degree centigrade. So water जो ice होता है solid state में होता है किस temperature पर melt होना शुरू होता है 0 degree centigrade. So 0 degree centigrade is the melting point of ice. Iron 600-700 degree centigrade पर melt होता है तो that is the melting point of iron. यानी कोई भी solid state का measure जिस particular temperature पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज इन सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आल्सो कि व्हेन लिक्विड व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड फ्यूजन। ओके लेटेंट हीट को हिंदी में हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छिपी हुई, गुप्त मतलब क्या होता है छिपी हुई। गुप्त ऊष्मा क्या होता है द हिडन हीट, हिडन मतलब छिपी हुई, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लेटेंट हीट सिंस द हीट एनर्जी हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। चलिए मैं बहुत अच्छे टर्म्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर, चलिए मान लेते हैं हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन को नीचे से हमने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब भी हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मान लेते हैं यहां पर वाटर डाला हुआ है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। पहले टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ा सा और हीट करेंगे टेम्परेचर 20 हो जाएगा, और हीट करेंगे टेम्परेचर 50 कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट करेंगे टेम्परेचर 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट करेंगे टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा 10, 20, 50, 80 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया उसके बाद आप कितना भी हीट करो कितना भी हीट करो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं वो स्टेट कन्वर्ट होने में यूज हो रहा है। यानी यदि सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे हैं तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा कब तक, जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाएगा। जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा और उस समय जो टेम्परेचर आप देंगे वो स्टेट को कन्वर्ट करेगा, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में उसको ब्रेक करेगा तोड़ेगा जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो वो जो छिपी हुई हीट है जो हमें दिखती नहीं है जो हमें टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखता है उसे ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी जैसे हमने टर्म पढ़ा था फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है कि व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो व्हेन जब हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूजन में उस समय जो लेटेंट हीट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यू ऑल हैव टू लर्न दैट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज दैट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे मान लेते हैं कोई भी सॉलिड स्टेट का मैटर उसका क्वांटिटी कितना है 1 kilogram है, 1 kilogram टोटल मैटर को यदि हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm में उसके मेल्टिंग पॉइंट में
यानी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है उस समय एक किलोग्राम मैटर को, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर इन विच सेमी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर इन विच एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग या लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज वेरी इजी। द टेम्परेचर इन विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स द बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को यदि हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे अभी मैंने आपको बताया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, उस समय टेम्परेचर जो है किसमें यूज होगा, स्टेट को कन्वर्ट करने में, यानी जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड जब गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी द टेम्परेचर इन विच एनी एनी लिक्विड स्टार्ट मेल्ट स्टार्ट बॉयल, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल्स फॉर द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड यू कैन से 273 प्लस 100 373 डिग्री केल्विन। इज इट क्लियर? द टेम्परेचर इन विच एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइल या स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड टू गैस, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। The boiling point of water is 100 degree centigrade. That is very important question. You all have to remember. Second point is latent heat of vaporization. जब solid liquid में convert होता है तो 1 kilogram के लिए जितनी heat की requirement होती है उसे बोलते हैं latent heat of fusion. क्योंकि solid convert हो रहा है liquid में. When liquid converted into gas, when 1 kilogram liquid converted into gas, how much heat will provide? That is called latent heat of evaporation या vaporization. And the heat energy required to convert 1 kilogram, that is very important. You all have to remember that 1 kilogram is the quantity of any material, solid or liquid. So the heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization. The process in which gas on cooling turns into a liquid at a specific temperature is called condensation or diffusion. Condensation or liquidification, that is the opposite part of evaporation. Evaporation mein liquid converted to gas. When gas converted into liquids, when we decrease the temperature, gas converted into liquid, that process is called condensation or liquefaction. Is it clear? Okay. The change of state of a substance directly from a solid to gas without changing into a liquid state or vice versa is called sublimation. That is also very important point, that the sublimation. So sublimation kya hota hai? So sublimation is a process in which solid directly converted into gas or gas directly converted into solid. That is called sublimation. The temperature in which the state of substance changed from liquid to solid is called freezing point. Freezing point क्या होता है? देखो simple सा term है. सबसे पहले melting point, solid जिस temperature पर liquid में convert होगा. फिर boiling point, liquid जिस temperature पर gas में convert होगा. Freezing point, gas जिस temperature liquid जिस temperature पर liquid जिस temperature पर solid में convert होगा. That is called freezing point. ठीक है, चलिए. When a solid melts, जब कोई solid melt होता है, its temperature remains the same. जब कोई solid melt होता है, उसका temperature remain होता है the same because heat gets used up in changing the state of overcoming the force of attraction between the particles. It is considered that it gets hidden into the contents of the beakers
and it's known as the latent heat that we have already discussed. Okay. Water vapor at 373 degree Kelvin have more energy than water at the same temperature because particles is steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. मतलब क्या है कि water और vapors, water in liquid state, vapor in gaseous state, the temperature of water and vapor is same, that is 100 degree centigrade, but the vapor is more energy because they gain more energy in form of latent heat. अगर मान लेते हैं 100 degree centigrade का water है और 100 degree centigrade का vapors, steam, दोनों को जब हम टच करेंगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? स्टीम. क्यों? क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट जो स्टीम होती है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि वो लेटेंट हीट के रूप में कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करती है जो कि स्टेट कन्वर्ट होने के समय यूज होती है. इफेक्ट ऑफ चेंज और प्रेशर. अभी हम बात कर रहे थे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने पर कैसे स्टेट चेंज होगा. अब हम बात करने वाले इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है जब भी कोई भी स्टेट चेंज होता है. तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर. जो गैस होता है जब उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. जब लिक्विड में प्रेशर और ज्यादा अप्लाई करेंगे दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट. व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज lower the gas is liquefied. For example, solid CO2, yani CO2 is a gas. When we pressurize the solid converted, so the gas converted into liquid, and when we increase more pressure the gas is converted into solid state. The solid CO2 gets converted directly to gaseous state and decreases the pressure to 1 atmospheric without coming into liquid state, and this is a reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. That is very important terms. Then what is dry ice? You can say the solid form of carbon dioxide is called dry ice. कैसे बनता है? So decreasing of pressure, gas can directly converted into solid state. Next, evaporation. Evaporation क्या होता है? The process of conversion of a substance from the liquid state to the gaseous state. यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो स्टेट कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन. बट उससे कम टेम्परेचर पर, यानी 99 पर, 80 पर, 20 पर, 25, 50 पर, जब कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट, जब भी कोई लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन. यानी इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. यानी जब भी आप देखो, जैसे वाटर गैस में कन्वर्ट होता है तो स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पड़ेगी जब वो बॉयल होगा, स्टेट कन्वर्ट करेगा. बट इवापोरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द water, yani liquid is already converted into gaseous state in any temperature below its boiling point, that turns called evaporation. Okay, ye isi ko hum bolte hain vaporization. Evaporation is a surface phenomena. Surface phenomena means is that jaise pani hai to pani ka jo outer surface hai jo ki directly heat ke contact mein hai उनको एनर्जी मिलती है. जैसे एनर्जी मिलती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और पार्टिकल्स अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. बाकी नीचे के पार्टिकल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम इवापोरेशन को कहते हैं सरफेस फिनोमिना. आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन. यानी जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन को यदि इंक्रीज करना है तो क्या क्या हम कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. यानी यदि लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना. यानी सरफेस यदि बढ़ जाएगा तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कपड़े धुलते हैं तो कपड़े सुखाने के लिए कपड़े को फैला के डालते हैं. अगर कपड़े को हम इकट्ठा करके मोड़ के एक साथ रख देंगे तो क्या वो जल्दी सूखेगा? क्या नहीं.
लेकिन जब उसी का हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, फैला के डालते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, इसकी वजह से जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सेम एग्जाम्पल, यदि हम कपड़ा धोने के बाद यदि कमरे के अंदर डालेंगे तो देर में सूखेगा, वही उठा के यदि हम धूप में डालेंगे तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। तो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीजेस इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि ह्यूमिडिटी कम कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। जैसे गर्मियों में कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होता है, सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज एंड इंक्रीजिंग एंड द विंड स्पीड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि हवा की स्पीड बढ़ा दें, विंड स्पीड तेज कर दें, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। आप देखा होगा जब रात को कभी कपड़े सुखाने होते हैं तो हम पंखा चला के उसके नीचे कपड़े सुखाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जो विंड स्पीड है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है और जिसकी वजह से जो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आगे देखते हैं इवेपोरेशन केसेस कूलिंग। यानी जब किसी भी चीज का इवेपोरेशन होता है तो वहां पर ठंडक फील होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लेते अगर हाथ में आपके पेट्रोल रखा जाता है तो आपको कूलिंग फील होता है, क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो तुरंत इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है और कम होने की वजह से हमें ठंडक फील होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिमेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। सिंपल सा है कि अगर हम पेट्रोल यहाँ हाथ में डालेंगे तो पेट्रोल जो है हमारे हाथ का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा। तो जब हमारे हाथ का हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो कूलिंग फील होगा। लेंडली साइंटिस्ट आर टेकिंग अबाउट द फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर और फाइव फेसेस ऑफ मैटर, दिस आर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, आगे हम बात करें सम इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स, कौन कौन से? दसाई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। यानी जो किलोग्राम जो एसआई यूनिट होती है मास की, वो क्या होती है? किलोग्राम होती है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब होता है। एंड द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेटा मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर की एसआई यूनिट की बात करें, दैट इज केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 डिग्री केल्विन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन। और कन्वेंस वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। यानी यदि एग्जैक्ट वैल्यू कभी निकालनी हो तो उस समय हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 डिग्री केल्विन कंसिडर करेंगे, और यदि हम कॉमन की बात करेंगे तो वहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन कंसिडर करेंगे। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर एंड टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, यू हैव टू एड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। सिंपल सा है, यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस करना होगा, और यदि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। पहले ये पढ़ लेते हैं, एटमॉस्फेयर यानी एटीएम, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एटीएम, इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर स्ट्रक्चर्ड बाय गैस एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पीए, 1 atmosphere is equal to 101325 pascals, and the pressure of air is atmosphere is called atmospheric pressure, and the atmospheric pressure is sea level is 1 atm, and it stays as the normal atmospheric pressure. यानी जो normal atmospheric pressure होता है, जो होता है आपका 1 atm, और ये क्या होता है, ये आपका atmospheric pressure जो होता है वो आपका हवा का जो normal होता है, जो sea level का होता है, वो ही होता है normal. जैसे अभी हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर, दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन 25 डिग्री सेल्सियस, तो वैसे 1 एटीएम इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द फॉर्मूला
फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर कन्वर्शन, कौन सा फॉर्मूला है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर फोर टेम्परेचर यूनिट्स दी हुई है, ठीक है, तो फर्स्ट सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, क्या हुआ आपके अलग अलग कन्वर्ट करना है। अगर मान लेते हैं आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन कन्वर्ट करना है तो आपको इन दोनों को बीच में स्किप कर देना है। जब इन दोनों को स्किप करेंगे तो आपके ये दो यूनिट लिए जाएंगे और इन दो यूनिट में अगर एक की वैल्यू आपको पता है दूसरे की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉरेनहाइट और केल्विन निकालना है तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना होगा, इसमें एक का वैल्यू पता है दूसरे को आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द टेम्परेचर। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट्स, एवरी फैक्ट्स ऑफ दिस लेक्चर। आइए आप देखते हैं टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन सा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट नहीं करता था। फर्स्ट, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो जस्ट इसी लेक्चर में हमने पढ़ा है, अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तुरंत बैक कीजिए वीडियो को, वहां पर आप देख सकते हैं, और कमेंट कीजिए, कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो कमेंट इन कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर।